तो कैसे आप लोग लोग यो तो कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग किस तरीके से सोलो टूर्नामेंट्स में बुया कर सकते हो। तो आज के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो भाई सोलो टूर्नामेंट्स तो आप लोग में से बहुत लोग ही खेलते होंगे, अगर नहीं खेलते हो तो फटाफट से जाओ game.tv का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, game.tv को डाउनलोड करो, हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे डेली सोलो टूर्नामेंट्स होते हैं जिनको खेल के आप टॉप 3 के अंदर आके वीकली मेंबरशिप को जीत सकते हो, और बहुत ज़्यादा ही कस्टम रूम्स डेली होते हैं, तो फटाफट से जाकर डाउनलोड कर लो। तो भाई अगर हम बात करते हैं पे सोलो टूर्नामेंट्स भी, तो सोलो टूर्नामेंट्स पे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक होता है कि भाई कैसे जीतेंगे। तो भाई फाइनली अगर आपको जीतना है सोलो टूर्नामेंट तो भाई वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। तो भाई सोलो टूर्नामेंट हमको कहाँ पे उतरना होता है, तो भाई सोलो टूर्नामेंट्स में हमको ऐसी जगह पे उतरना होता है जहाँ पे हमको कम बंदे देखने को मिलेंगे। सोलो टूर्नामेंट्स पे हर जगह पे बंदे आएंगे ही आएंगे, ऐसी कोई जगह नहीं होगी कि बंदे नहीं आएंगे, क्योंकि 48 बंदों में से, या फिर अगर 40 बंदे भी होते हैं तो 40 बंदों में से 3-4 बंदों को मतलब जाना ही होगा एक मेन जगह पे अगर आप उतरोगे तो। ठीक है, तो भाई आपको थोड़ा सा हैंडल करना सोलो में आना ज़रूरी है, वरना भाई कोई फ़ायदा आप कोई प्रॉपर जगह पे ना उतर के कहीं साइड पे उतर सकते हो, जैसे क्रॉस रोड के ऊपर एक जगह होती है और क्रॉस रोड के इस साइड को एक ट्रेन होता है, वैसे जगह पे उतर सकते हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा लूट मिल जाएगा लेकिन आपका काम बच जाएगा। और जैसे क्रॉस रोड के सामने ये जो दो घर है, यहाँ पे ऐसी जगह पे उतर सकते हो जो कि प्रॉपर कोई जगह नहीं है लेकिन उनमें बंदे कम आएंगे, ऐसी जगह पे उतर सकते हो आप। ठीक है, जैसे फील्ड्स के साइड में ये वाले गढ़, भाई बहुत जगह है, ऐसे बहुत जगह है मैप में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो उन जगह में आप उतर सकते हो। कभी भी कोई प्रॉपर जगह पे मत उतरो क्योंकि वहाँ पे बंदे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पे जाना है क्योंकि यहाँ पे कोई जाएगा नहीं, लेकिन वही चीज़ गलती हो जाती है कि वहीं पे बंदे आ जाते हैं। तो भाई अगर आपको हैंडल करना आना आता है ज़्यादा बंदों को एक साथ, तो भाई आप उन जगह में उतर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप साइड वाले जगह पे उतर सकते हो, आप कम से कम एक बंदा मार सकते हो। भाई यहाँ पे थर्ड पार्टी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उन जगह पे जहाँ पे 4-5 बंदे एक साथ उतरते हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही चांस होते हैं कि तुम्हारे साथ थर्ड पार्टी हो जाए। तो थर्ड पार्टी होने से तुम बच सकते हो यहाँ से, और तुम इजीली लूट कर सकते हो, आपको एक छोटा मोटा लूट मिल जाएगा, मतलब जो लूट से आपका काम चल जाएगा। सोलो में कौन से गन्स लेने चाहिए जो कि आपके हेल्पफुल हो, तो भाई डबल वेक्टर नाम की जो चीज़ है ना भाई, वो गेम का ही पार्ट है भाई। बहुत लोग मैंने देखा है कि डबल वेक्टर नॉट अलाउड ऐसा सोलो टूर्नामेंट्स में बोलते हैं। तो भाई सोलो में ना डबल वेक्टर का यूज़ भाई गेम ने दिया है तो अब तो करना ही पड़ेगा ना यूज़। जैसे M82 भी एक गेम का ग्लिच है, वैसे वेक्टर कोई गेम का ग्लिच नहीं है। ठीक है, ये एक चीज़ है, मतलब एक गन है, एक प्रॉपर गन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, गेम ही ने हमको दिया है। ठीक है, तो अगर वो बंदा यूज़ कर रहा है करके आपको मार के जा रहा है तो आप यूज़ क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करोगे बताओ। तो भाई सब लोग इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है ये यूज़ करने में, ऐसा नहीं कि गाइडा ने इस पर बैन लगाया, अगर बैन लगाया होता तो गेम में कभी देता ही नहीं, इसीलिए कोई पर्टिकुलर जगह से इसको बैन नहीं किया जा सकता, ये गेम का ही एक पार्ट है, हम इसको बैन नहीं कर सकते। ठीक है, और सोलो टूर्नामेंट्स में वेक्टर को बैन नहीं किया जा सकता और ना ही गरीना इसको हटाने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि गरीना जो गन दे देता है वो गेम से कभी हटता नहीं है। हो सकता है इसका डैमेज कम हो जाए, या फिर ये रैंक पे मिलना बंद हो जाए, या फिर ये डेवली मिले ड्रॉप में। ठीक है, M82 भी ऐसा ही हो सकता है, डैमेज कम हो सकता है या फिर ड्रॉप पे मिले या फिर रैंक में मिलना बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये गन्स गेम में रहने वाले हैं। ठीक है, कोई भी गन्स को हटा नहीं सकता, गरीना भाई जो चीज़ दे देगी उसको हटाना भाई पॉसिबल तो है नहीं, मुझे लगता नहीं। और हाँ, अगर आपको सोलो तो भाई आप ये गन्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि उटेकर हो गया, पैराफेल हो गया, आपका एस्केरस हो गया, ड्रैगनॉम हो गया, लॉन्चर हो गया, इन गन्स का आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये गेमिंग का पार्ट है, और ये गन्स सबसे ज़्यादा अच्छा डैमेज देती है सोलो में, बहुत ज़्यादा ही वर्केबल है ये गन्स। SKS तो कहीं पर भी मिल जाता है, M14 जैसे गन्स हो गए, ये गन्स मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा बेस्ट गन्स के तो शॉर्ट लॉन्ग रेंज का बेस्ट गन, तो भाई ये वीडियो जाके ज़रूर देखने लेना, जो कि स्क्वाड में भी हेल्प करेंगे, सोलो में तो ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि सोलो में बचाने वाला कोई होगा नहीं, तो सोलो में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड अगर हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज में, तो शॉर्ट रेंज में आप M1014 ले सकते हो, MP5 ले सकते हो, अगर आपको MP40 मिलता है तो MP40 बेझिझक ले सकते हो, एंड आप वेक्टर डबल वेक्टर तो ले ही सकते हो। ठीक है,
तो भाई सोलो में आपका ये भी गन्स बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं। एंड सोलो में आपको क्या करना है कि आपको लूटना है, ठीक है, एक प्रॉपर गैप पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि कोई साइड पे थोड़ा सा लूट लिया या फिर इधर उधर करके आपको मतलब एक प्रॉपर लूट बनाना है, जिससे एक बंदा अगर दो बंदे आए मैक्सिमम आप मार पाओ उनको, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रॉपर कैंपिंग की जगह बना लेनी है, सर्वाइव करने की जगह बना लेनी है, जहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हो या फिर कैंपिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको एक कैंपिंग करने की जगह बना लेनी है, सर्वाइव तो आप इधर उधर कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन कैंपिंग करने की जगह अगर एक जगह मेन आप बना लोगे ना सोलो में, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है। वहाँ पे आप सोलो में उधर इजीली कैंपिंग कर सकते हो। एंड याद रखना, वो चीज़ जोन के मिडिल के अंदर होनी चाहिए, मतलब जोन के मिडिल के आसपास होनी चाहिए, तो भाई वो आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ट्राई करना कि वो जगह जहाँ पे आप जा रहे हो वो सोलो में वो जोन के अंदर हो एंड मिडिल में हो, वहाँ पे जाके आप कैंपिंग कर सकते हो, लैंडमाइन वगैरह यूज़ कर सकते हो आप। एंड ये चीज़ देख लेना वहाँ पे कोई बंदा ना हो, और अगर बंदा होता है कि और आप डायरेक्ट भाई उस पर रश कर देते हो या फिर कोई घर पे आप कैंपिंग कर रहे हो, तो कैंपिंग करने जा रहे हो तो भाई वहाँ पे कोई बंदा आपको मिल जाता है, तो डायरेक्ट रश कभी भी मत कर दिया करो कोई भी घर पे सोलो में, क्योंकि भाई उसके ऊपर वाला जो है उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। आप नेट का यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई और चीज़ का यूज़ कर सकते हो, जैसे फ्लैश बैंग हो गया, इनका यूज़ कर सकते हो, फिर रश कर सकते हो, लैंडमाइन चेक कर सकते हो। ये भी आपको देखने वाली बात है, ये भी अच्छा पॉइंट है, देखना आपको चाहिए, ठीक है। तो भाई ये चीज़ का करो, और आप जोन के मिडिल में जाके बैठने की कोशिश करो सोलो में, जितना ज़्यादा हो सके जोन के मिडिल में जाके बैठो, तो भाई बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगा। एंड जब तक जोन आपके साथ है तब तक उधर से हिलो भी मत, अगर कोई बंदा आपको रश कर भी दे तो भाई वो आपका बैड डक होगा, क्योंकि पता है क्योंकि सोलो में भाई कोई नहीं बोल सकता कहाँ पे कौन बंदा छुपा हुआ होगा। कोई बंदा अगर आपके ऊपर रश कर दे तो आपको हमेशा रेडी रहना है एंड उसके ऊपर जो है अटैक करना है। अगर आपके पास वैगन पेट है तो भाई वो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। वैगन पेट से भाई एक जगह बैठो सोलो में और ग्लू वॉल बनाते जाओ, ये सबसे अच्छा निंजा टेक्निक है भाई। वॉल एक वॉल ले लो और बाकी सब इधर उधर फेंक दो और फिर वैगन से बनाते जाओ वॉल, तो ये आप चीज़ कर ही सकते हो, बेझिझक कर सकते हो। गेमिंग का पार्ट है और गेमिंग हमको दिया हम बिल्कुल ये चीज़ कर सकते हैं, और भाई ये सबसे अच्छा उपाय है, तो भाई ये इसका ज़रूर यूज़ किया करो, ठीक है। और आप जो है जोन डिटेक्टर का यूज़ कर सकते हो, यूज़ करके आप लोग जो है जोन देख सकते हो। देखो मेरे पास यहाँ पे उसका यूज़ करके आप जोन देख सकते हो, मानो यहाँ पे मुझे मेरे पास लास्ट थर्ड जोन तक था, उसके बाद मैंने जोन ऑपरेटर देखा तो देखा कि सेकंड लास्ट जोन जो होगा वो मेरे पास नहीं होने वाला, तो मैं वहाँ के लिए मूव कर गया। एंड देखो सामने से नीचे से एक बंदा आ रहा है, तो जितना हो सका सोलो में ट्राई करो कि हाइट पे रहने का, क्योंकि आप नीचे वाले बंदों के जो जोन के बाहर से आएंगे उनके मज़े ले सकते हो, और जोन में सबसे पहले जोन कवर करने की कोशिश कर लिया करो, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड सोलो में जो कैरेक्टर स्किल काम आते हैं वो है पलोमा का कैरेक्टर स्किल एंड हैकर आई कैरेक्टर स्किल, बहुत ज़्यादा काम आता है, तो इनको लेने की कोशिश करो। और आप बोनफायर ले सकते हो सोलो में, आप चाहो तो ले सकते हो स्कैनर लोड आउट में जो मैंने बोला, ठीक है। और अगर आपको अपना लोकेशन स्पॉट नहीं करवाना दोस्तों के सामने तो आप एयर ड्रॉप मत ही लो, ठीक है, एयर ड्रॉप से लोकेशन स्पॉट हो जाता है आपका, देन आपके ऊपर रश होगा, तो अगर आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाएगा, तो उससे अच्छा एयर ड्रॉप मत ही लो। मैंने लिया था क्योंकि ये रैंक गेम था, टूर्नामेंट नहीं था, और रैंक गेम में आप बेझिझक प्रैक्टिस कर सकते हो एंड थोड़ा सा आपका गन पावर को इंक्रीज़ कर सकते हो सोलो में, और अपने डर को भगा सकते हो सोलो में, ठीक है, क्योंकि सोलो में बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं टूर्नामेंट्स पे मेनली। तो भाई रैंक खेलो, रैंक में प्रैक्टिस करो, game.tv को अभी का भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से डाउनलोड करो, वहाँ पे 10,000 डायमंड से भी ज़्यादा डायमंड के सोलो टूर्नामेंट्स होते हैं, फटाफट से अगर डाउनलोड करो, मैं भी खेल रहा हूँ, आप भी खेलो, हमारे गिल को ज्वाइन करो और खेलो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, पीस।